चलो स्प्लाइन पैड के लिए होते हैं। ये आज तक देखा था ना हमने, राइट? याद है ना, सबको याद है ना, आर्च बनाया था। और भी हम लोग ये डोनट देखेंगे क्या है, फिर ये बाकी सब जो है डोनट, ठीक है। सर्कल अंदर और एक सर्कल, मैगडी में बिगडी में खाते हैं ना ये कोई आइटम, क्या क्या है? रेडियस सर्कल अंदर वाला एक, बाहर वाला एक, वो कितना रेडियस स्पेस करना है उसका, वही हिसाब से आप सेट करोगे। क्रिकेट दिख रहा है, इंटरपोलेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसको आपको रेंडरिंग हम लोगों ने देखा था, ये क्या है, क्या देना। वही सेम चीज यहाँ पे है, आपको रेक्टेंगुलर चाहिए, सर्कुलर हमें चाहिए, डिपेंड आपका थिकनेस कितना है, हिसाब से सेट करोगे। ओके, अभी ये शेप कहाँ पे भी काम आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका कोई ऐसा सर्कल है जो सर्कल के अंदर सर्कल सर्कल बनना है, ये यूज करो, या सर्कल से ऑफसेट मारो, सेम ही होने वाला है। ये एक आइटम एनवायरमेंट नंबर ऑफ गॉन्स, पेंटागॉन हेक्सागॉन जो पड़े इसलिए उसने दिया नंबर ऑफ गॉन्स। आप नंबर कितने पे डालो, 6 डालो, 8 डालो, जो भी डालने का आपका, वो सर्कल में कन्वर्ट होएगा। पैरामीटर्स में क्या है, देखो ओवरऑल रेडियस कितना है और साइड्स कितने है, ये 6 है, 5 हो गया, 6 7 8। आप जितने बढ़ते बढ़ाओगे उतना बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे वो सर्कल बन जाएगा। अपने सर्कल के अंदर ये ना, ये चीज नहीं है, कौन सी साइड वाली, वो डायरेक्टली सर्कल में रेडियस और इसका इंटरपोलेशन बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हो। ऐसा पेंटागन हेक्सागन शेप नहीं मिलता है। अगेन आपको इसके अंदर वो मैंने रेंडरिंग बताया था आपको क्या है, वो वाला यूज करोगे, डिपेंड है। स्टार बनाना है ऐसा 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 स्टार, उसका डिजाइन ऐसा है कि ऐसा है, डिपेंड है, आपको ऐसा बनाना है। रेडियस, अभी आप रेडियस बोलोगे ये क्या बढ़ रहा होगा, तो सर्कुलर पोर्शन देखेंगे तो ये वाला एक होगा, ठीक, अंदर वाला सेकंड हो गया, तो शेप चेंज करना है। ऐसा भी बना सकते हो, पॉइंट्स बढ़ाने हैं इसके, जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये भी बढ़ा सकते हो। फिर ये डी शॉट से थ्रू हम लोग इसको टिल्ड कर सकते हैं, ऐसा सुदर्शन चक्र जैसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा है, डिपेंड है आपको कैसा रहेगा उसका डिजाइन। फिर ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इसको राउंड कर सकते हैं, ओके। ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने रेंडरिंग ऑन किया है यहाँ पे, ये मैं ऑफ करता हूँ, इसके वजह से आपको वो दिख रहा है। फिलेट कैसा चाहिए वही हिसाब से फिलेट भी कर सकते हो, अंदर वाला एरिया फिलेट चाहिए अंदर वाला भी कर सकते हो। स्टारफिश होता ना ऐसा, ओके। नेक्स्ट देखते क्या है अभी, और एक हेलिक्स, ये एक क्या है, सर्कल बनता है ये ऐसा। माउस ड्रैग करोगे तो आपको हाइट पूछता है कितना हाइट है, स्पाइरल जैसा बनाता है, ठीक है। फिर ये शेप कैसा रहेगा, ऐसा है ऐसा है, डिपेंड, ठीक है। मॉडिफिकेशन में देखते हैं पैरामीटर्स में क्या है इसके। रेडियस 1 टॉप में से चेक करेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, कोई ये पर्सपेक्टिव में चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है।
अंदर वाला एरिया कैसा है, ऊपर वाला एरिया कैसा है, ठीक है। फिर हाइट कितनी है, जो हम लोग ने हाइट रखी थी वो आपको हाइट चेंज करनी है, वो भी होगी। टर्न्स, ये जो यहाँ पे टर्निंग हो रहा है ना, आप उसको बढ़ा सकते, ठीक है। मैंने इतना लिया, ठीक है। रेडियस 1, अभी आपको समझ में आएगा कि रेडियस कैसे काम करता है। उसमें समझ में नहीं आ रहा था ना, कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या हिल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने इसका टर्न्स बढ़ा दिए, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। ब्लीच से ना, ये ब्लीच, ब्लीच इससे क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये मतलब मैं फ्रंट में देखूं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये ना, अभी ये सब इक्वल इक्वल दिख रहा है। आपको उसमें वेरिएशन चाहिए तो आप वेरिएशन कर सकते हो इससे थ्रू। ये क्लॉकवाइज चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज ही, आपको तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर आपको थिकनेस चाहिए, आप ये ऑन करो, थिकनेस हो जाएगा, ओके। एक अंडे जैसा शेप चाहिए मुझे, डायरेक्टली आपका शेप कैसा रहेगा। और आउटर साइड में भी एक डबल मिलता है, यहाँ पीस के अंदर वही रहेगा, रेडियस सॉरी दी लेंथ विड्थ, और आउटर लाइन आपको नहीं चाहिए, समझो निकाल भी सकते हो, चाहिए तो रखो। उसका थिकनेस कैसा रहेगा और एंगल, आपको ये रोटेट कर रहा था ना मैं, जब मैं ड्रॉ किया था अभी रोटेट हो रहा था, वो ये एंगल था, आपको ऐसे एंगल में रखना है, रख सकते हो। ठीक है, सेक्शन, ये सेक्शन मतलब क्या, सेक्शन मतलब क्या, क्या हो सकता है सेक्शन, क्या हो सकता है आपको मालूम है ना, आपने पढ़ा है सेक्शन, एलिवेशन। काटते हैं हम लोग कोई एक पैटर्न के अंदर, कोई भी एक डिजाइन होती है, उसको काटने के बाद क्या दिखता है। देखो क्या, ये मैंने टीपॉट बनाया और सेक्शन दिया इसका, मैंने सेक्शन ड्रॉ किया, कितना रहेगा, जितना एरिया आपका है वो हिसाब से आप ड्रॉ करोगे। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ क्रिएट अ शेप। अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो बराबर सेंटर में, अगर मैं इसको मूव करूँ, मुझे वो एरिया बता रहा है कि आपको कितना सेक्शन मिलने वाला है आपका, ऐसा है ऐसा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ क्रिएट शेप, शेप का अगर कुछ नाम देना है, 1 2 3 4 जो भी रहेगा वो। फिर मैं इसको अभी डिलीट मारता हूँ या इसको साइड में लेते हैं, आपको यहाँ पे एक शेप मिलता है, ये आपका सेक्शन हो गया, ये ऑब्जेक्ट का ये सेक्शन हो गया। आपने कुछ डिजाइन बने 3D में, उसको आपको सेक्शन चाहिए तुरंत, तो आप ये सेक्शन यूज करके उसका आउटर लाइन ले सकते हो, और इसको आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट मारोगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट या पब्लिश टू डी, या आपको डायरेक्टली ऑटोकैड में चाहिए, एक्सपोर्ट करो, इतने सारे ऑप्शन है आपको उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। आप करेगा ऑटोकैड का, ये ऑटोकैड DWG, DX सब भी यूज होता है, तो आप ये दोनों में से कोई एक इसको सेव करोगे अलग से, ठीक है। ओके हाँ जल्दी आ बैठ। अभी एक यहाँ पे टेक्स्ट करके मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, टेक्स्ट आपको क्या करना है, टेक्स्ट एज ये लेना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे आपको जो भी नाम लिखने का है, कुछ भी नाम होता है, आपका खुद का नाम लेना है वो लिखो, यस लिखो,
कैपिटल जो भी रहेगा, स्मॉल कैपिटल आपको जो भी चाहिए वो, फिर आपको जो भी फंड चाहिए वो फंड चाहिए आपको, वो फंड में मिलेगा। जैसा कैलीग्राफिक फॉन्ट है जो भी रहेगा आपका वो फॉन्ट में लिखो, ठीक है। इसके बाद आपको साइज कितना है इसका वो ले सकते हो, स्कैनिंग दो वर्ड के बीच में गैप कैसा है। अगर आपने बड़ा सेंट पैराग्राफ लिखा है तो और रो के बीच में जो भी गैप रहता है वो, तो मेरे पास रो नहीं है, मैंने एक ही वर्ड लिया है, मैं यही वर्ड नीचे कॉपी करता हूँ, तो कॉपी किया तर, पेस्ट किया, ये देखो ये क्या है, कितना डिस्टेंस रहेगा। ये वर्ड में भी है, आप वर्ड पावर पॉइंट जो बड़े होंगे उसके अंदर भी है ये, ओके। फिर इसको बाद में आपको रेंडरिंग में ये थिकनेस वगैरह देना रहेगा तो आप दे सकते हो, और इसको डायरेक्टली वो नियॉन इफेक्ट आता है ना उसका, वो अलग से एक मटेरियल होता है वो नियॉन का, वो डालो ग्लो हो जाएगा, वो उनका फील मिलेगा। क्लियर? सर ये एक ही गासा स्पेसिफिक आगे और एक वर्ड लेना नहीं ना, ये जो इसका कहना का मतलब क्या था, ये समझो वाई है और ये वाई और ये ASH, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस चाहिए मुझे, वैसा नहीं होता इसको, वो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा, ये वाई अलग से और ये जो टेक्स है अलग से बनाना पड़ेगा। आपने देखा रहेगा कभी कभी वो मूवी में देखो, एक वर्ड आता है फिर बाद में बाकी के वर्ड आते हैं अलग अलग, तो उन लोग एक ही वर्ड वर्ड लेते हैं और हर एक वर्ड का एनिमेशन बनाते हैं, एनिमेशन समझते सब लोग क्या होता है, तो उसका वो अलग 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 वर्ड का एनिमेशन करके फिर वो रेंडरिंग होता है। हम लोग बेसिक एनिमेशन हम लोग को दिखाएंगे आपको, वॉक थ्रू कैसे होता है क्या होता है, वही टेक्निक है। उसमें हम लोग कैमरा मूव करने वाले हैं, हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट मूव करते हैं या कोई टेक्स्ट मूव करते हैं जो भी है, उसका एनिमेशन करना। क्लियर सबको? अब ये फ्री हैंड है ना, किसी के इसमें नहीं रहेगा, किसी के इसमें है, मतलब ओल्ड वाले वर्जन जो थे उसके अंदर नहीं है, नए वाले वर्जन में है। आपको ऐसा कोई भी फ्री हैंड से कोई भी एक शेप बना सकते हो, जैसे मैंने लाइन से बनाया था वैसा ही ये टूल है, ओके समझा? बस बाकी कुछ नहीं इसके अंदर, आप फ्रीली कुछ भी ड्रॉ करो, रैंडम वाइज कैसे भी ड्रॉ करो, ओके। यहाँ पे अपना स्प्लाइन वाला जो टॉपिक चल रहा था वो कवर हो चुका है। अभी हम लोग को स्विच करना है मॉडिफाई लिस्ट के अंदर, ये मॉडिफाई लिस्ट जो है तो डिपेंड हर एक आपके ज्योमेट्री में भी काम होती है और आपके शेप्स में काम होती है, बराबर। अभी मैं आपको पहले सबसे पहले ज्योमेट्री में दिखाऊंगा कि क्या काम हो सकता है आपका, फिर हम लोग स्विच करेंगे शेप्स के अंदर। मोस्ट ऑफ ज्यादा ज्योमेट्री डिपेंड है आपका क्या क्या है, ज्योमेट्री में जाते हैं। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव जो अभी आपका है, मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर सबसे पहले वाला मॉडिफाई यूज करने वाला हूँ, टेपर मॉडिफाई। ये क्या किया, मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था मॉडिफाई लिस्ट, ये यहाँ पे आपको मिलेगी, इसके एरो के ऊपर क्लिक करो या किधर भी क्लिक करो, एक बड़ी लंबी सी लिस्ट ओपन होती है, इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, अलग अलग है, अपने को जो काम के है वो हम लोग लेंगे, बाकी जो काम के नहीं है वो हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है समझा? सबसे पहले मैंने बोला था आपको चाहिए टेपर मॉडिफाई, ये मैं टी प्रेस कर रहा हूं तो मुझे टी से रिलेटेड जो भी दे वो तुरंत उसने मेरे को हाईलाइट कर दिया, ये उसमें आपका है टेपर, ये बराबर है। मैं टेपर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखोगे पैरामीटर्स में क्या है, अमाउंट कर्व, मैं इसके अंदर अमाउंट डाल रहा हूँ, बराबर है। या आप ऐसा बना सकते हो या फिर ऐसा बना सकते हो, राइट।
हम लोगों ने ऐसा देखा था, तो स्प्लाइन के अंदर रेंडर में वो एंगल करके था, बट वो कैसा था, वो कि आप जो भी शेप बनाओगे उसके अंदर होगा, अंदर से वो हॉलो था, ये सॉलिड है बराबर, और इसके अंदर कुछ ऐसा पैरामीटर है जो वो नहीं कर सकते, इसमें नहीं है वो ऑप्शंस, वो है कर्व। आपको टेपर कौन सी एक्सिस में करना है, एक्सिस अभी आप समझते हो क्या है, ये जेड एक्स वाई क्या है, आपका जो भी एक्सिस रहेगा वो एक्सिस में आप उसको टेपर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा था। अभी मैं यहाँ पे कर्व बोलता हूँ और कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, मुझे खाली एक ऑरेंज कलर की लाइन दिखती है बस, कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा होगा, एनी रीजन क्या हो सकता है? ज्योमेट्री का प्रैक्टिस किया था? नहीं किया, 3D मैथ का प्रैक्टिस ही नहीं किया, मैं बोलता हूँ ना। ऑब्जेक्ट के अंदर सेगमेंट नाम की चीज मैंने बताई थी, सेगमेंट क्या काम करते हैं, इसके अंदर कुछ सेगमेंट ही नहीं पड़े, इसके वजह से वो काम नहीं कर रहा है, अपने को इसके अंदर सेगमेंट डालने पड़ेंगे। जैसे मैं सेगमेंट बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे लेंथ में से कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं जीरो रखता हूँ, विड्थ में देखते क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर इसको भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब ये काम करेगा हाइट में, ठीक है, अभी ये एक्सिस जो था ना उसके ऊपर डिपेंड था कि कैसे काम करने वाला है। शेप देखो कैसे बना है, ऐसा बना है बराबर है, लिमिटेशन चाहिए मुझे कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद ही वो कर्व होना चाहिए, तो आप वैसा भी कर सकते हो, देखो कैसे। मैंने ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़ा, फिर कर्व होना चाहिए, या फिर थोड़ा बॉटम से भी स्पेस चाहिए मुझे, जो कॉलम्स वगैरह बनते हैं ना ऐसे, आपने देखा रहेगा कभी कभी टेम्पल्स में वगैरह, ऐसे देखा रहेगा ये ऐसा ऐसा टाइप का डिजाइन, तो आपको ये बनाने में काम आएगा, ऐसे समझा। टेपर मॉडिफिकेशन क्या काम करता है, इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन है, ये दिख रहा है, ये कोई भी मॉडिफिकेशन आप डाल रहे होंगे उसको डिलीट करना है, तो मैं ये वाला यूज करता हूँ, या फिर राइट क्लिक करो और इसको बोल दो डिलीट, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, ये दिख रहा हो टेपर, मुझे टेपर नाम नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग नाम चाहिए, तो आप अलग नाम दे सकते हो इसको, कुछ भी नाम डाल, ठीक है। आप कभी कभी नेट से कोई ऑब्जेक्ट डाउनलोड करोगे तो उन लोग क्या करते, चाइनीज लैंग्वेज में रखते हैं या रशियन लैंग्वेज में रखते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है वो, कौन सा मॉडिफायर है, इसीलिए आपको ये पैरामीटर्स मालूम होना चाहिए कि वो क्या था, समझे। अगर ये टेपर यूज किया उन्होंने कुछ अलग नाम दिया है और आप बोलोगे अरे ये कौन सा मॉडिफायर था, नहीं उन्होंने उसने रीनेम किया है आपको कन्फ्यूजन होने के लिए, बट आपको टेपर मालूम है, टेपर के पैरामीटर्स मालूम है, तो आप तुरंत समझ में जाते हैं हाँ इसने टेपर यूज किया। इसकी हाइट में बढ़ाता हूँ, सेगमेंट ऑलरेडी है इसके अंदर बहुत सारे, तो सेगमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन यूज करने वाले ट्विस्ट, क्लिक कर दिया, यहाँ पे एंगल देते हैं, ऐसा कुछ टिल्ड वाला ऑब्जेक्ट है, समझो आप एक टेबल बना रहे हो और उसका लेग है टिल्ड वाले, तो आप कैसे बनाओगे, ये नहीं बना सकते, आपको यही मॉडिफिकेशन का यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर भी लिमिटेशन दे सकते हो आप, जैसे मैंने टेपर में दिया था, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद ही मुझे उसका टेपर चाहिए, तो मैं सभी रख सकता हूँ। इसका हाइट ज्यादा बढ़ा दे तो आपको और समझ में आएगा क्या चल रहा है, इसका मैं एंगल भी ज्यादा बढ़ा देता हूँ,
यहाँ पे इसका लिमिट बढ़ा देता हूँ, ऊपर से थोड़ा स्पेस छोड़ा है, ऑफिस नहीं हो रहा है और नीचे से भी नहीं हो रहा है, सेंटर पोर्शन में ही वो ट्विस्ट हो रहा है, सब कुछ चाहिए मुझे, तो ऐसा भी कर सकते हो, ओवरऑल पूरा मुझे ट्विस्ट ही चाहिए, तो ये लिमिटेशन बंद कर दो। ओके, एक्सिस चेंज कर दोगे, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ वो ट्विस्टिंग हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड था, ऑब्जेक्ट वैसा होना चाहिए तब जाके वो एक्सिस में काम करेगा, अपना ऑब्जेक्ट जेड में परपेंडिकुलर तो वो जेड में काम करेगा, राइट। समझ में आ रहा नहीं है, तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, नहीं ना इजी है। ये ऑब्जेक्ट में चेंज करता हूँ, मैं प्लेन यूज करता हूँ, प्लेन, ठीक है, प्लेन के अंदर सेगमेंट डाल देता हूँ, सेगमेंट मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर सेगमेंट चाहिए सॉलिड सरफेस में, क्या करना पड़ेगा मुझे, ये सॉलिड है, मैं सेगमेंट डाल रहा हूँ और मुझे सेगमेंट नहीं दिख रहा, अभी 4:4 है, नहीं दिख रहे मुझे, देखने हैं, फिर मैं क्या करूंगा, फोर दबाऊंगा, ठीक है, सेगमेंट देखना चालू हो गया, सेगमेंट्स में बढ़ा रहा हूँ आपको जितने सेगमेंट चाहिए, ओके, और यहाँ पे मैं मॉडिफिकेशन डाल रहा हूँ उसके ऊपर, नॉइज, ये नॉइज, NOIS, नॉइज वो आ जाता है ना नॉइज का, वही वही, इसका सीड्स बढ़ा देते हैं, और ये जो स्ट्रेंथ है ये यूज करना है, एक्स एक्सिस में काम करो, वाई एक्सिस में काम करो और जेड एक्सिस में काम, समझा, ऐसा कुछ दिखता है वो, एक लैंड सरफेस होता है ना ऐसा आड़ा दे रहा कंटूर टाइप बोलते, कंटूर बोलते हो, ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा बना सकते हो, उससे बना सकते हो, समझाइए। इसी के ऊपर एक और एक मॉडिफिकेशन यूज करने वाले जिसका नाम है रिपल मॉडिफाई, रिपल, आपने पानी में कभी ऐसा स्टोन डालेंगे ना, ऐसा एकदम स्टिल वाटर है उसके ऊपर आप पत्थर डालते हो जैसे रिंग 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 बनता है, वही है ये, उसको बोलते रिपल, ओके। फिर और थोड़ा डीपनेस चाहिए मुझे, तो मैं दूसरा वाला एम्पलीट्यूड यूज कर रहा हूँ, और ये जो वेव है इसका लेंथ मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे रहेगा वो, कैसे हिलेगा उसके ऊपर डिपेंड है, ओके समझा, ये फेस से थ्रू आप इसको एनिमेट कर सकते हो, ऐसा हिलता हुआ दिखा सकते हो, ये वेव लेंथ का मतलब था कि आपको कैसा दिखाने का है वो हिलते हुए, और ये फेस से थ्रू आप इसको दिखा सकते हो कि कैसा वो मूवमेंट करने वाला है, मूवमेंट जो भी है उसका एनिमेट आप इससे करोगे, इतना वो डीप में रहेगा वो, आप ये डीके से थ्रू करोगे, समझा, क्लियर है सबको ना, अभी कभी कभी आपको ना ऐसे कुछ बनाया, डिजाइन बनाया और एक पैटर्न में आपको काटने का है उसको, ये टीपॉट है ना जिसको काटने का है, हेलो कोई भी डायरेक्शन में मैं कैसे काटूंगा हेलो, उसको, मेरे पास दो फंडे, एक तो मैं उसको बुलियन से दूर काट दूंगा, कोई ऐसा सरफेस में बनाऊंगा इसके ऊपर ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा, और उसके मैं बुलियन कर दूंगा इसको, वो कट हो जाएगा, पर मुझे क्या करेंगे, एक मॉडिफिकेशन आता है जिसका नाम है स्लाइस मॉडिफाई, स्लाइस मॉडिफाई, स्लाइस मॉडिफाई कैसे काम करता है, देखो अगर आप स्लाइस के अंदर जाते हो, स्लाइस प्लेन के अंदर, तो आपको एक ये स्क्वायर दिखता है, ये दिख रहा नहीं है, ये वाला स्क्वायर
इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, ये देखो ऐसा है। आप इसको रोटेट कर सकते हो जो भी डायरेक्शन में से आप उसको रोटेट कर सकते हो, एक्स वाई जेड आपका जो भी डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन में आप उसको मूव कर सकते हो। और उसको आप बोलोगे, यहाँ पे लिखा है रिमूव टॉप रिमूव बॉटम, इसका एक तो टॉप रिमूव कर या बॉटम रिमूव कर, देख लो टॉप पोर्शन रिमूव हो गया, बॉटम बोलूंगा तो बॉटम वाला पोर्शन रिमूव। ओके, ये अंदर से अभी मुझे ऐसा दिखाना है कि ये कट तो हो गया है, अंदर का पार्ट नहीं दिखाना है मुझे, वो पार्ट सॉलिड दिखाने का है। तो मैं और एक मॉडिफिकेशन यूज करता हूँ, कैप होल। ये कैप होल सॉलिड बन गए, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, क्यों दिख रहा होगा, ये जो सेगमेंट्स है ना बहुत सारे हैं, और ये सेगमेंट आगे हम लोग देखेंगे पॉली में एक रूल है, ये सेगमेंट एक दूसरे को कनेक्ट होने चाहिए। अभी समझो ये वाला एक सेगमेंट, ये जो हम लोग सेगमेंट डाले थे ना, ऐसा जाके ये वाले सेगमेंट को कनेक्ट होना चाहिए था, वो नहीं है कि हम लोग मॉडिफिकेशन यूज कर रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, समझा, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे पास ऐसा बॉक्स है, जिसके अंदर मैं सेगमेंट और बाकी वाले सेगमेंट भी मैं ऐड कर रहा हूं। मैं इसके ऊपर एक मॉडिफिकेशन यूज कर रहा हूँ जो हम लोगों ने अभी देखा था, ट्विस्ट मॉडिफायर, बराबर, मैं ऐसे ट्विस्ट कर दिया इसको, बराबर है। अभी मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो पोर्शन है वो बेंड हो गया है, बेंड हो गया है, तो कैसे करें बेंड मॉडिफिकेशन, और मैं इसको बोलूं बेंड हो गया, आपको एक लिमिट में बेंड करना है, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद वो बेंड हो जाएगा। जो डिपेंड है आपके, आप मैं आपको दिखा कि ऐसा ही एट अ टाइम आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक पिच दे दिया तो फिर आप दूसरा मॉडिफिकेशन यूज नहीं कर, आप कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं स्लाइस भी कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं हमने ट्विस्ट देखा था, फिर ये भी डाल सकते हो आप, टेपर डाल सकते हो, ओके। ठीक है, इसका कहना है कि इसका मुझे सेम कॉपी चाहिए, आप एक तो कॉपी करके उसको मिरर कर सकते हो, दूसरा एक मॉडिफिकेशन आता है जिसका नाम है सिमेट्री मॉडिफिकेशन, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में क्या है, आपको कौन से डायरेक्शन में सिमेट्री चाहिए, आप वो डायरेक्शन में जाओगे, एक्स में चाहिए मुझे, वाई में चाहिए, या फिर जेड में चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा बना दिया, अभी मैं और एक सिमेट्री यूज कर दूंगा इसके ऊपर, ये क्यों हो गया, नहीं मैंने और उसको ज्यादा लोड दिया, मशीन है सिस्टम है उसके पास ज्यादा और लोड आने के बाद है ना वो आपको देगा एप्लीकेशन एरर, वो डायरेक्टली अभी मेरा जो बनाया हुआ है वो बंद कर देगा,
अभी ये मुझे क्या पूछ रहा है, देखो जो सीन वॉज करप्टेड, उसने सीन करप्ट कर दिया है, और आपको ये सीन सेव करके मिलेगा यूजर एरिथ्रा डॉक्यूमेंट 3D Max 2021 ऑटो बैकअप अनटाइटल्ड रिकवरी मैक्स डॉट मैक्स, ये आपको मिलेगा। ओके, मैक्स क्रैश हो गया, बंद हो गया, आपको ये सेम फाइल मिलेगी, ये सब रहता है आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर, रहता है ना डॉक्यूमेंट्स, ये इसके अंदर मैक्स ऑटो बैक, और ये मेरा फाइल है। ठीक है, ये जो फाइल्स थे ना, ये क्या चीज है, आपके मैक्स के अंदर आप जो भी बनाते हो ना, आप इसके अंदर सेटिंग है, मैं अभी वो भी दिखाता हूँ क्या सेटिंग है। हर 3 मिनट 5 मिनट जो अभी आप सेटिंग रखोगे, उसके बाद 3 मिनट के बाद आपका फाइल वो ऑटोमेटिकली सेव करके रखेगा। समझो गलती से आपका मैक्स तुरंत क्रैश हो गया, ये तो मुझे एरर दे के दिया है, फिर आप क्या करोगे। वो हाँ, तो रहता है कि मुझे जाना पड़ ऑटोमेटिकली जाएगा सेव ना। होता था, ऑटो सेव। ये कस्टमाइज प्रिफरेंस के अंदर ये फाइल ऑप्शन दिख रहा है ना, हाँ ये देखो ऑटो बैकअप अनेबल, ये अनेबल मेरा अनेबल है, इसलिए मुझे वो 3 मिनट के बाद फाइल सेव करके दे रहा है, और नंबर ऑफ फाइल्स मुझे वो 5 ही दे सकता है। आपको ज्यादा फाइल चाहिए, मतलब ज्यादा फाइल वो सेव करेगा, हर 3 मिनट में ज्यादा फाइल सेव हो गया, हर 3 मिनट का आपको ज्यादा फाइल चाहिए, तो आप इसको नंबर को बढ़ा दो, ये नंबर बढ़ाओगे वो फिर 3 मिनट में उतने फाइल्स मिलेगा। समझो आपने 10 रखे, 10 फाइल उसके हो गए 3 मिनट के बाद, तो आपका जो फर्स्ट फाइल था ना वो निकाल के उसके ऊपर वो रिप्लेस हो जाएगा। आपका टाइमिंग उसको बढ़ाना है, आप उसका टाइमिंग बढ़ा सकते हो, आपको 3 मिनट में, आपको 5 मिनट में चाहिए, तो 15 मिनट के बाद चाहिए, तो आप वैसा भी करोगे। ये कहाँ पे सेव होता है, एज ऑटोबैक नाम करके सेव होगा, और ये आपका रहेगा डॉक्यूमेंट फोल्डर में 3D Max जो भी आपका वर्जन है वो उसके अंदर रहता है, ऑटो बैक इसके अंदर ये सब सेव होता है। क्लियर, ये याद रखना। और ये आपका अंडू लेवल है, अंडू लेवल आप कितने स्टेप्स अंडू कर सकते हो, आप ये बाय डिफॉल्ट 20 है, मैं इसको लास्ट कर देता हूँ, 500 स्टेप्स आप अंडू कर सकते हो। ठीक है, हम लोग सिमेट्री देख रहे थे, सिमेट्री समझा आपको कैसा था, या मैं आपको टीपॉट में समझा देता हूँ चाहे तो फटाक से। वो हेवी हो गया बहुत, मैं बहुत सारे ट्विस्ट डाला था, सेगमेंट बहुत सारे थे, उसको मैंने ऑलरेडी एक सिमेट्री में डाला था, फिर और एक सिमेट्री डालने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए वो थोड़ा क्रैश हो गया। ओके, सिमेट्री ये देखो सिमेट्री से हुआ है। अब सिमेट्री के अंदर मिरर करके ऑप्शन रहता है, आप ये कैसा सिमेट्री करना चाहिए, ये पोजीशन से कर सकते हो या ये पोजीशन से भी कर सकते हो, डिपेंड है आपको कैसा चाहिए, और आपको इसको फ्लिप भी कर सकते हो, ये उल्टा साइड आएगा, ये देखो ऐसा आएगा, ओके सिमेट्री बहुत काम आएगा आपको। कोई समझो एक अपने चेयर बना रहे होगे या कुछ भी है, एक सोफे का आधा पोर्शन बना है, सेम कॉपी इधर ही है, तो आप उसको कॉपी मत करो, सिमेट्री डाल दो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर और लिस्ट देखेंगे, बाकी के जो बचे हुए और थोड़े कुछ है, और शेप्स के अंदर वाले भी अपने को थोड़े देखने हैं, जैसे कि अपने को ये FFD वगैरह जो है वो देखना है, एक चैम्फर देखने का एक बाकी रह गया है, फिर लैटिस मॉडिफाई क्या काम करते हैं वो देखने का है, फिर